हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट्स न्यू इन अफोर्डेबल। बट उससे पहले, अगर मतलब आपको व्हाट्स न्यू इन अफोर्डेबल देखना है तो आप ये वाले टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो डायरेक्टली। बट थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिस कर रहे थे एंड आई वाज सो हैप्पी दैट देयर इज सच अ ह्यूज कैट फैम जो कि एक्चुअली मुझे मिस कर रहे थे। बता दूं मैं पिछले पूरे हफ्ते आई वॉज इन भोपाल, मेरे पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं और डुगू को अपने नानी नानू से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। सो वी वेंट देयर और मैंने दो वीडियो एक्चुअली लाइव कर दिए थे। उसके अलावा दो और वीडियोस थे जो कि मैंने सोचा था वहाँ जाके मैं एडिट कर लूँगी, टाइम तो मिल ही जाएगा। पर जब मैं एडिट करने बैठी देन आई रियलाइज दोनों ही वीडियोस में जो है कुछ ना कुछ लोचा है। एक जो है उसका लोअर लैश लाइन इतना खूबसूरत आया था, बट अपर पे मैंने एक्चुअली बढ़िया था लिड पे भी, बट मैंने ग्लिटर अप्लाई कर लिया तो इसलिए वो बेकार हो गया। एंड दूसरा लुक था ब्लू पर्पली आईज, ओ माई गॉड, वो लुक तो इतना अमेजिंग टर्न आउट हुआ था। बट माई बैड लक, उसका जो आई मेकअप था वो फिल्म ही नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको भी पोस्ट नहीं कर पाई एंड हेंस आई हैड नो कॉन्टेंट फॉर द वीक। तो या दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट देयर। बट या आई एम बैक और मैं आ गई थी मंडे को, आ गई थी मैं वापस। येस, आई वॉज बैक ऑन मंडे एंड आई पोस्टेड आई थिंक टू वीडियोज ऑलरेडी जा चुके हैं अभी, सो दिस इज़ द थर्ड वन। आज ही फिल्म कर रही हूँ, कोशिश करूँगी मैं आज ही अपलोड कर दूँ इसको। बट या देर आर, मेरे पीछे से बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, सो आई थॉट आप लोगों को अपडेट कर दूँ क्या क्या नया आया है, सो दैट अगर आप कुछ नई चीज़ों का वेट कर रहे थे सो आपको मिल जाए। ऑल्सो आप लोगों को एक अपडेट देना था, स्विस ब्यूटी कंसीलर इज़ आउट ऑफ स्टॉक, एक आधी शेड बचा है। अगर वो आपका शेड है तो आप प्लीज़ उसको क्या बोलते हैं, आपको अपने पास स्टॉक करके रखना है तो रख लीजिए, बिकॉज स्विस ब्यूटी के पास ही उसका स्टॉक ख़त्म हो गया है। सो हम कुछ नहीं कर सकते अब उसके केस में। इनफैक्ट अल्टीमेट आई शेडो का भी स्टॉक ख़त्म हो गया है। अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं मिल रहा है वो तो कुछ ही दिन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। हमारे पास भी कुछ ही दिन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सो जस्ट टू गिव यू गाइज अ हेड्स अप। एंड इनफैक्ट मार्स का आईब्रो पाउडर भी मार्केट में ख़त्म हो गया है। सो कब तक आएगा, 2 महीने लग जाते हैं लगभग वापस आने में। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर आउट ऑफ स्टॉक है, दैट इज़ बिकॉज वो आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया है। ओके, सो दैट वॉज अ बिट ऑफ माई रैमलिंग। अभी मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स व्हाट्स न्यू इन अफोर्डेबल। सो कुछ नई चीज़ें आई हैं, और अगर आप जानना चाहते हो क्या क्या नई चीज़ें आई हैं देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन प्रेस कर दिया है, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दीज वीडियोज़। और हाँ, मैं ये लाइन बार बार बोलती हूँ बिकॉज मुझे यही लाइन आती है, मुझे लगता है बाकी कुछ भी मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट था, मैं ऑलरेडी आधा वीडियो फिल्म कर चुकी थी, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये है किस ब्यूटी का मेकअप रिमूवर। ऑल्सो मेरे नेल्स जो हैं वो नीले हैं क्योंकि मैं कल पेंटिंग कर रही थी और वो मेरे नेल्स में घुस गया था। जस्ट इन केस कुछ लोग बोलेंगे कि कितने गंदे नेल्स हैं, दैट्स बिकॉज यार नहीं निकला, कोशिश करी। सो दिस इज़ द मेकअप रिमूवर, इसमें एलोवेरा है। एंड द फन पार्ट इज़ कि ये कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं जो कि आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे। आप चाहें तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं एंड देन प्रोडक्ट डिस्पेंस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको मैं अभी इस मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ करूँगी एंड प्रॉबेबली मैं स्क्रीन पे अपडेट कर दूँगी कि मुझे ये अच्छा लगा या नहीं लगा। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, एंड ब्लू हेवन ने दिया है हमको एक सरप्राइज बाय दिस। यस, ब्लू हेवन ने लॉन्च किए अपने मेकअप स्पंजेस, या आप कह सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर। दो टाइप के हैं, एक है पियर शेप जिसको वो टीयर ड्रॉप बोल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सारे मेन होते हैं इन द इंडस्ट्री, देर आर वेरी लिटिल फीमेल इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग। सो प्रॉबेबली दे डिडंट नो कि उसको पियर शेप बोलते हैं, नॉट अ टीयर ड्रॉप। और जो दूसरा है जो मैंने लिया है अपने लिए, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये रियल टेक्निक्स का शेप है बेसिकली। सो आपको एक तरफ फ्लैट मिलता है जिससे आप ब्लेंड कर सकते हो, दूसरी तरफ पॉइंटेड मिलता है जिससे आप अपने इनर कॉर्नर्स में जा सकते हो। द प्राइस ऑफ दिस इज़ 150 रुपीज़, क्योंकि उसके बॉक्स पर लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी 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 स्क्विशी, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और स्क्विशी है। मैंने अभी तक इसको गीला करके नहीं यूज़ किया है, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग कि मैं ना ट्राई ऑन करके आपको बताऊँ। सो फार इट इज़ लुकिंग गुड। दिस इज़ बाय द वे लेटेक्स फ्री एंड दे से दैट इट इज़ फॉर स्मूद एंड फ्लॉलेस एप्लीकेशन। वी शैल सी दैट इन फ्यूचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ए कलरफील प्रोडक्ट। सो दिस इज़ ए कलरफील प्राइमर। एक्चुअली ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो इट इज़ ए प्राइमर बाम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कुछ इस तरीके का है। एंड आई थिंक कलरफील जो है
प्राइमर बढ़िया तरीके से बनाते हैं, लाइक कुछ बनाए ना बनाए पर प्राइमर बहुत ही बढ़िया होते हैं. सो आपकी स्किन को ये इंस्टेंटली जो है स्मूथ कर देता है, जितना भी टेक्स्चर है वो रिमूव कर देता है आपकी स्किन से, एंड हल्का सा स्किन को मैट भी करता है. इसके ऊपर आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से अप्लाई होगा. नाउ इसमें जो है आपको मिल जाता है एक कंसीलर भी. दिस इज काइंड ऑफ येलो और फेयर स्किन टोन के लिए ही ये काम करेगा मेरे ख्याल से. सो दिस इज़ हाउ द कंसीलर इज़. और ये कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है, ब्लेंड अच्छे से हो जाता है एंड कवरेज भी ठीक ठाक सा ही है इसका. लाइक मैं कह सकती हूँ इसको मीडियम कवरेज तक होगा बिकॉज आई हैव दिस मार्क और ये काफ़ी हद तक ये मार्क जो है ये छुपा रहा है. बट देन दिस इज़ टू लाइट फॉर माई स्किन टोन. सो अगर आप फेयर स्किन के हो तो ये आपके स्किन पर अच्छे से जाएगा. एंड यू कैन सी ये मार्क जो था काफ़ी हद तक छुप गया है एंड ब्लेंड भी ये काफ़ी अच्छे से हो गया है. इसकी एक्सपायरी है 2021 विच आई थिंक इज़ गुड क्योंकि 19 चल रहा है, 2021 आपके पास 2 साल हैं उसको यूज़ करने के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम SFR और ये है SFR का लिक्विड आईलाइनर इन द शेड ब्लैक. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. मेरे ख्याल से सारी कंपनीज को ये पेन वाली पैकेजिंग आजकल ज़्यादा ही भारी है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड उसके बाद ग्लिटर वाले भी आते हैं SFR के वैसे लाइनर्स जो कि ऑलमोस्ट सेम पैकेजिंग में ही है. एंड दिस इज़ हाउ द टेक्स्चर इज़, लाइक द कलर पे ऑफ इज़. आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल, काफ़ी अच्छा ब्लैक है एंड द टिप इज़ वेरी फाइन, वेरी प्रिसाइज. तो अगर आप इससे विंग विंग करना चाहते हो सो वो आप कर सकते हो. येस, विंग विंग आप कर सकते हो इससे. दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक 100 rupees के अंदर ही है ये, जहाँ तक मुझे पता है. स्क्रीन पर आपको प्राइसेस मिल जाएंगे इसके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ए हेयर केयर प्रोडक्ट और ये है आस्था बेरी का हेयर सिरम. वी डू नॉट सेल अ लॉट ऑफ आस्था बेरी प्रोडक्ट्स. हमारे पास आस्था बेरी की फेशियल किट्स हैं विच आर लाइक ओके, दे आर नॉट अमेजिंग बट दे आर नॉट बैड आइदर. क्योंकि आप सिर्फ आई थिंक 250 या 200 rupees का वो पूरा किट है एंड इट्स अ मीडियम साइज किट जिससे आप आराम से नहीं तो 10 से 12 फेशियल्स निकाल सकते हो. सो इट इज़ गुड फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग. बहुत अमेजिंग नहीं है, आई वुड स्टिल से दिस. सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम आस्था बेरी एंड अंकित माई ब्रदर ही बॉट दिस वन. इसमें आपको होहोबा ऑयल और वाइटामिन ई मिल जाते हैं एंड इनफैक्ट मैंने अभी अभी अपने बालों पे इसको अप्लाई करके देखा, बालों में इंस्टेंट एक शाइन आ जाती है. इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, हाउएवर इसमें सिलिकॉन्स है क्योंकि सिलिकॉन्स एक्चुअली सारे ही हेयर सीरम्स में होता है. वो आपके हेयर के टेक्सचर को स्मूद आउट करता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ 175 rupees का है, इस पर लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. और आपको मिल जाता है 100 ml मिल जाता है इसमें शायद, या आपको इसमें मिल जाता है 100 ml. दिस इज़ मेड इन इंडिया, आस्था बेरी इज़ एन इंडियन कंपनी एंड इन शाइन तो आपको इंस्टेंटली मिल जाती है इससे. यहाँ पे तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि दिस इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, जस्ट इन केस अगर आप क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करते हो यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड इसमें SPF 10 भी है तो बालों को जो है धूप में सफ़ेद होने की ज़रूरत नहीं है, बालों को भी SPF मिल जाएगा. मुझे ना वीडियो करना चाहिए था, आई गॉट वियर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वियर्ड प्रोडक्ट्स. ये है म्यूजिक फ्लार का स्केच आईब्रो पेंसिल, यही नाम है ना, टैटू सेंस ऑफ सुप नहीं क्या है यार ये लिक्विड आईब्रो पेन. दिस इज़ इन द शेड ब्राउन एंड मैंने ना ऐसा फॉर ताती को यूज़ करते देखा था. शी इज़ अ वेरी बिग ह्यूज बिग टाइम ब्लॉगर. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो आप अगर देखोगे क्लोजली इसको आपको यहाँ पे 3-4 ब्रिसल्स दिखेंगे और जब मैं इसको चलाऊँगी तो आपको वो हेयर स्ट्रोक का फील आ जाएगा. एज यू कैन सी आई डोंट नो इफ दिस इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, बट ट्राई करके देखेंगे. वियर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज, दिस इज़ लाइक रियली वियर्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड कजरारे. एक्चुअली कजरारे इज़ नॉट अ न्यू ब्रांड, वो कलर फील का ही पार्ट है. इट्स जस्ट दैट उस पर कलर फील नहीं मैंशन किया है. सो आई हैव कलर फील लाइक कजरारे का आई लाइनर. पैकेजिंग इज़ रियली कूल और मेरे पास है कजरारे का मस्कारा. ओके, सो बोथ ऑफ दीज रिटेल फॉर 55 rupees. और अगर आप बहुत एक्सट्रीम बजट प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो, लाइक बाइक अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बजट प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो यू कैन गो फॉर दिस. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं. मैं आपको लाइनर का स्वॉच करके दिखा देती हूँ. ब्रिसल्स बहुत बढ़िया नहीं है इसके, मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट 55 rupees में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो. सो दिस इज़ हाउ द स्वॉच इज़. काफ़ी लिक्विडी है ये बट ठीक ठाक ब्लैक है. मैं ये नहीं कहूँगी एक्सट्रीमली ब्लैक है, बट 55 rupees में अगेन यू कॉन्ट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अ प्रोडक्ट. देन हमारे पास है मस्कारा. ये कह रहे हैं दिस इज़ फास्ट ड्राइंग स्मच प्रूफ ग्लॉसी टच मस्कारा. कुछ सेम पैकेजिंग है उसकी भी एंड ये कुछ ऐसा दिखता है. हैवेंट यूज्ड इट बट जल्दी यूज़ करके आपको अपडेट कर दूंगी. बट 55 rupees में ना आई डोंट थिंक आपको हमको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इससे.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम लैक्यूब ब्यूटी. ये है लैक्यूब ब्यूटी का टू वे जेल लॉन्ग लास्टिंग फिक्सर जेल. कुछ इस तरीके का दिखता है, फोकस कर लो भाई. ओके सो कुछ इस तरीके का दिखता है. ये एक्चुअली एक आईब्रो जेल है. सो आप अपनी आईब्रोज फिल इन करने के बाद इसको अप्लाई कर लीजिए, स्पूली से कॉम कर लीजिए, तो आपकी आईब्रोज जो है प्लेस पे रहेंगी, ड्रुप डाउन नहीं होंगी, एकदम सेट कर देगा उनको. और ये क्लियर जेल है तो आपकी किसी भी कलर की आईब्रोज हो आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसकी अगर एक्चुअल पैकेजिंग देखें, इसमें आर्गन ऑयल भी है एंड लेट्स सी इसमें और क्या क्या है. इसमें पैराबेंस भी है और आर्गन ऑयल भी है. सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज. काफ़ी क्लीन, काफ़ी क्लासी पैकेजिंग है और एक इस तरीके के वॉन्ड के साथ में ही आता है. इस तरीके का वॉन्ड है कुछ कुछ. सो फोकस. ओके सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. बस आप इसको अप्लाई करो और स्पूली से ब्लेंड आउट कर लो तो आपके जो क्या कहते हैं आईब्रो हेयर हैं वो सेट हो जाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लू हेवन प्रोडक्ट आर दीज. ब्लू हेवन ने लॉन्च करे अपने नए UHD कंसीलर पेंसिल्स. अभी तक आपको कंसीलर स्टिक्स मिलती थी, नाउ दे हैव लॉन्च कंसीलर पेंसिल्स ऑल्सो. द ओनली सैड पार्ट इज कि सारे के सारे फेयर स्किन टोन में है, कुछ भी डीपर स्किन टोन्स में नहीं है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको यहाँ से शार्पन करने की जरूरत नहीं है. तो ये ऐसे रोल अप हो जाएगा, रोल डाउन हो जाएगा. ईजी टू कैरी, बट आई रियली मेरा जो कंसर्न है वो बस ये है कि एक डार्क शेड ब्लू हेवन लॉन्च कर दीजिए आप. क्योंकि ना कई बार होता है कोई भी शेड मेरी स्किन टोन से मैच नहीं होता, तो एटलीस्ट वो डार्क शेड में मिक्स करके थोड़ा सा मैं मिक्स एंड मैच करके अपनी स्किन टोन का बना सकती हूँ. सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लैक्यूब ब्यूटी फुल फिगर्ड मस्कारा. कुछ इस तरीके का ये दिखता है. अगेन लैक्यू ब्यूटी बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आया. वी डोंट इवन हैव लाइक 1/3 ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. ये कुछ इस तरीके का दिखता है. लैक्यू ब्यूटी इज ऑल्सो एन इंडियन ब्रांड मेड इन PRC. आपको 10 ml मिल जाएगा. आपको इसमें 10 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा. पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, कुछ इस तरीके का वॉन्ड है. मुझे थोड़ा सा ड्राइंग लगा, मतलब बहुत लिक्विडी नहीं है, थोड़ा सा ड्राई ड्राई सी साइड पर है. आई हैवंट अप्लाइड इट येट. सो जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, लैक्यू ब्यूटी ने लॉन्च करा है अपना मस्कारा एंड आई लाइनर एज वेल. ये डुओ है एंड आई एम नॉट श्योर इसका प्राइस क्या है, बट या कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है इसकी एंड आपको एक में मिल जाएगा मस्कारा, कुछ इस तरीके का है ये, एंड देन आपको मिल जाएगा लाइनर. ओके लाइनर का वॉन्ड बहुत बढ़िया है एज यू कैन सी. लेट्स सी कितना लाइनर बहुत हो गया ना आज. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर है लाइनर का एंड और वॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगा. एक ब्रश है बट काफ़ी फाइन ब्रश है एज यू कैन सी. So those were the new products from Lacue Beauty. Moving on, मेरे पास है Mars के products. So Mars ने लॉन्च किए हैं अपने कंसीलर पैलेट्स एंड द पैकेजिंग इज़ रियली गुड. अगेन मैं यूज़ करके नहीं दिखा रही हूँ अभी, मैं स्वॉच भी नहीं कर रही हूँ अभी. आप मुझे कमेंट्स में बता देना कौन सा वाला स्पेसिफिकली मैं यूज़ करके आपको दिखाऊं. सो एक तो ये है जिसमें आपको कॉन्टोर करेक्टर्स सब कुछ मिल जाते हैं एंड दिस इज़ इन द शेड नंबर 2. और इसका प्राइस इस पर मेंशन नहीं है बट दिस इज शेड नंबर 2. सो फर्स्ट तो ये हो गया हमारा एंड शेड 1 जो है वो सिर्फ कंसीलर पैलेट है, उसमें कोई भी जो शेड 1 है वो एक कंप्लीट कंसीलर पैलेट है कुछ इस तरीका का. ये इसमें एक हाईलाइटर है, बाकी सारे कंसीलर है. अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आप इसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो. दिस प्रॉबेबली वुड बी कलर ऑरेंज करेक्टर प्रॉबेबली, बट अगर देखो कि ऑल इन ऑल दिस इज़ गुड इफ़ यू हैर. अगर ये काफ़ी अच्छा है अगर आप फेयर स्किन टोन के हो. सो कॉमेंट्स में मुझे बता देना आप किसका रिव्यू देखना चाहते हो, बिकॉज दोनों को स्वॉच करके ख़राब करना कोई अकलमंदी की बात नहीं है. Mars ने और भी कंसीलर पैलेट्स लॉन्च करे हैं. दीज आर बिग वंस. सो दिस इज शेड नंबर 1 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ब्यूटिफुल पैलेट है. ओह नाइस, ये इस तरीके से खुलता है एंड आपको इसमें करेक्टर मिल जाते हैं एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टोर शेड्स एज वेल. डीपर स्किन टोन के अगर आप हो तो आपको आपका शेड यहाँ पे मिल जाएगा. सो दिस इज शेड नंबर 1 एंड शेड नंबर 2 जो है उसमें कोई करेक्टर नहीं है, लाइक द ग्रीन करेक्टर उसमें कोई करेक्टर नहीं है. बट अगर आप स्टिल और ज़्यादा डीप स्किन टोन के हो यू कैन गो फॉर दिस वन, क्योंकि और भी ज़्यादा डार्कर शेड्स इसमें आपको अवेलेबल है. सो दीज आर द 2 कंसीलर्स एंड इनमें कोई पैराबेंस नहीं है. बोथ ऑफ दीज डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पैराबेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में मुझसे पूछते हैं कि पैराबेंस है कि नहीं है हमें बताओ.
so none of these contain parabens. So yeah, also we got some cute little hair bands. पहले तो ये वाला एक rabbit band है बच्चों के लिए, and then we have this mesh वाला band जिसमें पीछे चोटी में आप इसको इस तरीके से लगा दोगे तो बहुत बढ़िया सा look आएगा like इस तरीके से. So yeah, so we have that. And मेरे bands, hair bands ना सारे बट गए क्योंकि मैं QMath classes लेती हूँ तो बच्चे आते हैं, so I usually give them कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये gift मिलेगा, वो करोगे तो वो gift मिलेगा. So I got this one again for myself, which I think is really cute. And with that we come to an end of this particular episode of What's New in Affordable. I hope ये video आपको अच्छा लगा हो. लगा है तो like ज़रूर कर देना, subscribe कर देना मेरे channel को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. सारे के सारे products की buying details description box में available है. अगर आपके local market में ये available है at a cheaper price, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो. जहाँ भी आपको सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ मिले आप वहाँ से खरीदिए. दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए क्योंकि ये सारी नई चीज़ें हमने कब से लैशेस पे इंट्रोड्यूस करी हैं. आपने कभी भी लोकल मार्केट में देखी हूँ, आप लेना चाहते हो एंड यू वॉन्टेड अ रिव्यू कि कैसा है, आई थिंक एक फेयर आइडिया आपको मिल गया होगा चीज़ें कैसी हैं क्या हैं. सो या दैट इज इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.